प्यारे बच्चों, सुप्रभात। देखिए, आपको आठ पाठ तक तो पढ़ाया जा चुका है और परीक्षा भी हो चुकी है। उसके बाद आज हम आपको पाठ नौ पढ़ाने जा रहे हैं, अपना काम स्वयं करें। एक खेत रहता, खेत में चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती है और गेहूं का खेत होता है। उसमें गेहूं जब पक जाता है, एक दिन किसान अपने बेटे को लेकर आता है तो बोलता है कि अरे तो खेत पक गया है, इसे कटवाना चाहिए, चलो अपने पड़ोसियों से कहते हैं खेत काटने के लिए। तो बच्चे घबरा जाते हैं सुन के ऐसी बात। तो जब चिड़िया आती है तो ची ची चू करके बोलने लगते हैं कि माँ, जब ये खेत कट जाएगा तब हम इस खेत में नहीं रह पाएंगे। तो कहते बेटा, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो इतना, नहीं आएगा किसान। फिर कुछ दिन बाद ऐसे चलता है, फिर दोबारा आता है, कहता है कि अरे पड़ोसी तो नहीं आए खेत काटने, चलो अब अपने भाइयों से कहते हैं खेत काटने के लिए। फिर वो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि ची चू चू करके कि किसान आया था और ऐसे ऐसे कहा है, अब कल खेत काटने फिर आएगा। तो फिर कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, नहीं आएगा किसान। और फिर किसान नहीं आता है। लेकिन जब तिवारा आता है तो कहता है भाई भी नहीं आए, चलो अब हम तुमको लेकर खुद आएंगे और अपना खेत काटेंगे कल आ करके। तब चिड़िया परेशान होती कहती है कि हाँ, अब किसान आ जाएगा, इसलिए कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इसलिए फिर वहाँ से अपने बच्चों को लेकर के खेत छोड़ करके वो चली जाती है। तो इससे हमको ये पता चलता है, जब तक वो दूसरे के सहारे था, पराश्रित था कि पड़ोसी खेत काटेंगे, भाई खेत काटेंगे, तब तक ये चिड़िया को ये भरोसा था कि किसान आएगा ही नहीं। जब वो ये सुन ली कि वो खुद आएगा काटने, तो उसको ये विश्वास था कि अपना काम स्वयं किया जाता है और अब किसान आएगा और खेत काट लेगा, इसलिए अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। यही कहानी है, यही कहानी का सारांश है कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। अब आगे देखिए, आपका शब्दार्थ है स्वयं, मतलब होता है खुद, आश्रित निर्भर, अवश्य जरूर, पड़ोसी पास में रहने वाला या बगल में रहने वाला पड़ोसी कहलाता है। अब आगे प्रश्न उत्तर है, आपका पहला प्रश्न है चिड़िया कहाँ रहती थी। चिड़िया गेहूं के खेत में रहती थी। दूसरा चिड़िया के बच्चों को कोई क्यों नहीं देख सकता था, क्योंकि गेहूं के खेत में पौधे इतने बड़े बड़े हो गए थे कि उसमें वो छिप के बैठे रहते थे, इसलिए देख नहीं पाते थे। किसान खेत पर खड़ा होकर अपने बेटे से क्या कह रहा था। किसान अपने बेटे से कह रहा था कि देखो, अब गेहूं पकने लगे हैं और दो तीन दिन में इन्हें काट लेना चाहिए। चिड़िया के बच्चे एक साथ क्यों चिल्लाने लगे, चिड़िया के बच्चे इसलिए एक साथ चिल्लाने लगे किसान की बात सुन करके वो चिल्लाने लगे। गेहूं की फसल किसने काटी, गेहूं की फसल किसान ने अपने बेटे के साथ काटी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पराश्रित नहीं रहना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। आपका ये प्रश्नोत्तर हो गया। इसके बाद देखिए, किसने किससे कहा, देखो अब गेहूं पकने लगे हैं, दो तीन दिन में इन्हें काट लेना चाहिए। किसान ने अपने बेटे से कहा, इन्हें हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे, चलो आज हम उनसे कह दें। ये भी किसान ने अपने बेटे से ही कहा। तीसरा है, कल हम स्वयं इन्हें काटेंगे, किसान ने बेटे से कहा। सही कथन पर सही का चिन्ह लगाना है। चिड़िया बहुत समझदार थी, चिड़िया समझदार थी, सही है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये भी सही है। किसान बहुत आलसी था ना किसान, इसीलिए पहले पड़ोसियों से कहा, फिर अपनों से कहा, अपने भाइयों से कहा, और फिर बाद में उसे समझ में आया कि कोई काम नहीं देगा, अपना काम स्वयं करना चाहिए, तब फिर वो काटा था, इसलिए वो आलसी था। चिड़िया के बच्चे भोले भाले नहीं थे बल्कि चंचल स्वभाव के थे। अब आगे देखिए, रंगीन शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य पुनः लिखना है।
उसका एक बच्चा है, उसके तीन बच्चे हैं। कल मैं अपने भाई को इन्हें काटने को भेजूंगा, कल मैं अपने भाइयों को इन्हें काटने के लिए भेजूंगा। मेरा जीवन खुशी से भर जाएगा, हम सबका जीवन खुशी से भर जाएगा। वह अपने पड़ोसी से दो तीन दिन में गेहूं कटवाएगा, वह अपने पड़ोसियों से दो तीन दिन में गेहूं कटवाएगा। ये हो गया। अब आगे देखिए, प्रत्येक के लिए एक शब्द पाठ में से खोज कर लिखना है। जो खेती बाड़ी का काम करे उसे क्या कहते हैं? कृषक। जो पड़ोस में रहता है उसे क्या कहते हैं? पड़ोसी। अब क्रियात्मक कार्य है पौधों को पहचान कर उनका नाम लिखना। आपके सामने ये चित्र बना हुआ है। पहला तो फल है गेहूं का, दूसरा मटर का है, और तीसरे में आप फूल लिख दीजिएगा। फूल बना तो फूल लिख दीजिएगा। नीचे दिए गए चित्र में रंग बनना है। गौरैया का, चिड़िया का चित्र बना हुआ है। ये आज आपका गृहकार रहेगा। इसको अपने कॉपी में भी बनाइएगा पूरा। जब काम लिख लीजिएगा तो कॉपी में चिड़िया का चित्र बना करके उसे आपको रंगना है, और इस पुस्तक में भी रंग भर डालिएगा। ये आज का पाठ आपका समाप्त हुआ। आगे का पाठ कल बताया जाएगा, और इसे आप पूर्ण भी कर लीजिएगा।